चिकन सिख कबाब, नाम सुनते ही, जी हाँ नाम सुनते ही भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो बहुत स्वागत है आपका निशा की किचन में, और चलिए आज हम बनाते हैं घर में ही होटल जैसे चिकन सिख कबाब। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंगे अपने हथियार, और यहाँ पर मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया था। तो अभी हमें इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके इसको कर लेना है अच्छे से ग्राइंड। यहाँ हमने चिकन को रफली चॉप कर लिया है, तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ इसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो ये रहा हमारा 1 से 1.5 कटी हुई प्याज, उसी के साथ में लहसुन की 6 से 7 कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च और यहाँ पर नींबू। तो यहाँ पर हम अपने इस चिकन के पीसेस को मिक्सर में डाल करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, उसी के साथ में जो मसाले हमने रेडी किए हैं वो भी। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर अपने रेगुलर मसाले जो हैं उसमें सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च और नमक ऐड कर लूँगी। तो अभी हमें इसको बना लेना है एक फाइन पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कुछ जो चीज़ें हैं वो बारीकी से नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर मैंने दूसरे मिक्सर में फिर इसको थोड़ा और बारीक पीस लिया है। जो हमारे प्याज के स्लाइसेस थे वो रह गए थे, तो यहाँ पर अभी हम लेंगे बाउल, और यहाँ देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा जो ये चिकन का कीमा है ये बन चुका है। तो अभी हम इसको इसमें निकाल लेंगे, और अभी यहाँ पर इस मिक्सचर में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी ऑयल, और ऑयल को ऐड करने के बाद में और उसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, और यहाँ पर जो हमारा नींबू बचा था वहाँ पर एक बड़ा नींबू हम ले लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसी के साथ में मैं यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड करूँगी जो कि हैं हमारी चिली फ्लेक्स और मिक्स सीजनिंग। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये ऐड करने के बाद में इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आधे घंटे के लिए अभी हमें इसको रेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको आधे घंटे के लिए एक बारीक पिन्नी से कवर करके फ्रिज में इसको रख देंगे। यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है, तो आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इसको निकाल लिया है फ्रीज़र से, और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में अभी हम यहाँ पर सीख कबाब बनाना शुरू करेंगे। जितने भी आपको मोटे पतले जिस हिसाब से रखने हैं वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना इजीली ये बिना किसी परेशानी के, बिना हाथ में चिपके कितनी आसानी से ये बन रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉ यूज़ की है, स्ट्रॉ लेने के बाद में अभी हम इसको इस तरीके से इसमें इस तरीके से लपेट लेंगे, और बहुत ही ईजीली ये बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए बनके रेडी हो गया है, तो अभी हम इसको देखिए निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी के चिकन सिक्के सिख कबाब रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे
चिकन के सिक कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, तो अभी बारी आती है इसको शेल फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, अब उसमें हम डालेंगे ऑयल। हमें ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं रखना है और बहुत ही कम आँच पे हमें इसको कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक एक करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसको हमें जितना आपको पसंद है, डार्क आपको ब्राउन करना है या जैसे भी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेल्फ फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम इसका वेट करते हैं गोल्डन ब्राउन होने का। तो जब तक हमारे ये कबाब अच्छे से होते हैं फ्राई, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं इसके साथ चटनी का। तो यहाँ पर मैं चली चटनी बनाने। तो ये लीजिए, यहाँ बारी आती है प्लेटिंग करने की। तो हमारे कबाब भी फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ये हमारे बहुत ही इजी बन जाने वाले चिकन सिक कबाब रेडी हैं। और यहाँ ना मैं आपको देखिए कट करके दिखाती हूँ कि कितने जूसी ये बने हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ओह माय गॉड, मेरे से वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा यम थे। ये आनिया को मैंने सबसे पहले टेस्ट कराया और यहाँ आप देखिए ये कितना ज़्यादा एकदम जूसी बना है, आप देख सकते हो। तो भाई अब बारी आती है सर्व करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टेस्ट कराया आनिया को और ये लीजिए हमारे इंस्टेंट ये बहुत ही डिलीशियस से, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चिकन सिक कबाब बनके तैयार है दही वाली चटनी के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ और यहाँ मैं चली इसको टेस्ट करने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।